गोरखपुर गांव में ढोलक नाम का एक ऑटो वाला रहता था। ढोलक का ऑटो काफी पुराना था और चलते वक्त अजीब अजीब आवाजें निकलता था, इसीलिए गोरखपुर वाले उसके ऑटो में बैठने से हिचकिचाते थे। उसी गांव में तबला नाम का एक स्क्रैप वाला रहता था, जो हमेशा ढोलक के ऑटो के पीछे पड़ रहता था। अब तो तुम्हारे ऑटो में मच्छर भी बैठने से इनकार कर रहे हैं ढोलक। दे दो मुझे ये ऑटो, 100, 50 जो भी होगा दे दूंगा। तुम मेरे ऑटो से दूर ही रहो तबला सेठ। ये कहकर ढोलक वहाँ से चला जाता है। ऐसे तबला रोज ढोलक को परेशान करता रहता था। ढोलक उसके सामने से गुस्से में निकल जाता था, लेकिन बाद में बहुत दुखी होता था। ढोलक को एक भाई भी था जो शहर में रहता था और कमाल का इंजीनियर था। एक दिन ढोलक का भाई मोड़क उसे मिलने के लिए गोरखपुर आता है। अरे मेरा भाई, आखिरकार तुझे अपना भाई की याद ही आ गई। याद तो हमेशा रहते हो भाई, लेकिन अब जानते हो ना, शहर में छुट्टी मिलना कोई आसान बात नहीं है। सही कहा, चल घर चल के करते हैं बाकी बातें। ये कहकर दोनों भी ऑटो में बैठकर घर जा रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में तबला मिलता है। तबला हमेशा की तरह ढोलक का मजाक उड़ाता है और मोड़क से कहता है कि क्या भाई, शकल और हालत से तो अच्छे आदमी लगते हो, तुम्हें इससे अच्छा ऑटो नहीं मिला था क्या हमारे गोरखपुर में? उसकी बातों पर ध्यान मत दो तुम। ये कहकर ढोलक अपने भाई को वहाँ से लेकर चला जाता है। घर जाकर ढोलक मोड़क को सारे बात बताता है। मोड़क उसे कुछ काम है कहकर घर से बाहर निकालकर तबले की दुकान पर जाता है। तुम्हारे पास जितने भी पुराने ऑटो हैं, वो सारे मुझे चाहिए, पैसों की चिंता मत करो। तबला उसे सारे ऑटो दे देता है। मोड़क उन सारे ऑटोस को अपने टैलेंट की मदद से जोड़कर 4 डब्बों के रेलगाड़ी की तरह बनाता है। अगले दिन सुबह मेरा ऑटो कहाँ हो गया? ये जरूर उस तबले की काम होगा। तबले भाई, ये किसी तबले की काम नहीं, अब मेरे साथ आओ। ये कहकर मोड़क ढोलक को उस ऑटो के पास लेकर जाता है। ढोलक उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे चलाकर ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। ये सब देखकर तबले की अच्छा नहीं लगता और एक दिन रात को वो उसकी ऑटो को आग लगाने के लिए आया है। उसे मोड़क देख लेता है और दोनों भाई मिलकर उसे खूब मारकर उसी ऑटो में उसे घर छोड़कर आते हैं। आज के बाद किसी को उंगली नहीं करूंगा मम्मी।